यह हैं डॉक्टर लीना शर्मा गुना से, जो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन जब यह दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंची तो देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह के गार्ड ने ही इनको कार के बाहर भगा दिया और दिग्विजय सिंह स्वयं भी उनको जो है वो बाहर जाने के लिए कहने लगे। तो यह महिला जो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती है, उनके संग इतना सब कुछ हुआ, लेकिन क्या कहती है यह महिला मोदी के खिलाफ, आप सुनिए। और हम अभी देख रहे हैं जब से मोदी काल चल रहा है, दंगों पे दंगे चल रहे हैं, कभी दंगे कभी रेप, रेप और दंगे, बस दो चीजों के अलावा हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा। इसी में विकास हो रहा है और किसी में विकास नहीं हुआ है। दंगे की बात दबाने के लिए रेप करवा होता है, कहीं कहीं सामूहिक रेप होता है और उस रेप को दबाने के लिए दंगे की बात शुरू हो जाती है। बंगाल में भी हो रहा है रेप, यही चलता है। एक एक मुद्दे पर दबाने के दूसरा मुद्दा शुरू हो जाता है, दूसरा मुद्दा शुरू हो जाता है। ये राजनीति है, आप समझ पाओगे तो अच्छी बात है इस चीज को। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आप सुनना चाहते हो, मैं बनारस से टिकट मांग रही हूँ। हाँ। सुनना है आपको और सबको बुला लो। हाँ, जी, बुलाओ बुलाओ उनको, आगे, बुलाओ आगे। बनारस से मैं टिकट मांग रही हूँ, मोदी के खिलाफ लड़ना है मुझे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर लीना शर्मा गुना से हूँ मैं। जी जी, बनारस क्यों जाना चाहती है? बनारस में मोदी के खिलाफ ही लड़ना है मुझे, क्योंकि जो हमारा देश तोड़ने की बात चल रही है वो सिर्फ मोदी कर रहा है। आज क्या टिकट मांगने आई थी दिग्विजय सिंह? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे राय साहब हैं, हम तो मिलते रहते हैं उनके लिए, हम सब छोटे बच्चे ऐसे हैं, कभी भी मिलते तो रहते क्या? हैं। कोई डांट दिया आपको? अरे नहीं, वो जनता में ऐसा होता है ना कि वो लोग बोलते हैं, गार्ड्स वगैरह बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बाद में मिलना, अभी रुक जाओ, बाद में मिलना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मुलाकात तो कल गुना में भी हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आते रहते हैं, एक अपनी अपनी टीम से मिलने हम लोग आते हैं मोस्टली। ग्वालियर के लिए, ग्वालियर ही आई थी आज आप? हाँ हाँ, मेरा भी और भी दौरा है साथ के साथ। धक्का किसने दिया आपको? नहीं, किसी ने धक्का नहीं दिया, वो गार्ड्स वगैरह करते रहते हैं, उनकी ऐसी हरकतें हैं। अरे अब वो क्या करें उनको, हर व्यक्ति के राजनीति में चीजें। आप क्या करती हैं लीना जी? मैं राष्ट्रीय किसान कांग्रेस मंच में, राष्ट्रीय किसान कांग्रेस मंच में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और मेरा खुद का संगठन है एंड राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी कांग्रेस मंच, उसमें मैं संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या गार्ड हल्के में ले रहे थे क्या आप? हाँ, वो यही हो रहा है, हल्के में लिया उन्होंने, हो जाता है। हाँ, पता नहीं कौन है क्या है, तो कहता नए नए लोग आते ना तो थोड़ा सा हो जाता है। किस पद पर हैं आप, एक बार बताइए? राष्ट्रीय किसान कांग्रेस मंच में संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राय साहब मेरे आदर्श हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और वो तो क्या है, कुछ लोग जलने वाले होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। राजनीति बात करनी है अलग ना भाई। अरे ये पत्रकार ना भैया छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं?